हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेघालय पुलिस के रिजल्ट के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारा कमेंट जो है मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और मैं साफ साफ आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप लोगों का रिजल्ट जो है मतलब अगर एबी यूबी का अगर हो सकता है ना, तो फिर फ्लावर का नहीं होगा, क्योंकि उसका ट्रेड टेस्ट अभी तक लिया नहीं, ठीक है। इसलिए ट्रेड जो भी फ्लावर ग्रुप में आता है किसी का भी नहीं आएगा, जैसा कि बार बार को जो भी हो, जितना भी आता है फ्लावर ग्रुप में, ठीक है, उन लोगों का रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट ही बात की उसका रिजल्ट होगा। और उसके बाद जो भी एबी यूबी है उसका अभी हो सकता है इलेक्शन के पहले 2023 का जो भी है, और उसकी बात भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए आप लोग इतना कंफर्म भी नहीं ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को कंफर्म बात नहीं बता सकते हैं, अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो इलेक्शन के पहले हो सकते हैं, ठीक है। अगर इलेक्शन की बात होगा ना तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो कौन सा गवर्नमेंट कौन सा क्या काम करेगा, क्या कांड कर देगा, ठीक है, आप सभी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं भी पार्टिसिपेट कर नहीं पाया जितना भी कितना टाइम प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। और मैं अगर नेक्स्ट टाइम में होता है तो मैं जाने के लिए कोशिश ज़रूर करूँगा, और आप लोग भी प्लीज़ जाइए, क्योंकि हम सभी का एक ये एक ड्रीम होता है, ठीक है। और ऐसा भी हम लोग का एज लिमिट निकल रहा है, ठीक है, ऐसा ही टाइम बर्बाद हो चुके हैं हम लोग का कोविड के कारण भी 2 साल। तो थैंक यू सो मच, और मैं भी काम में बहुत बिजी है, मतलब खेत के काम तो अभी चल रहे हैं, आप सभी को पता है, और यह भी देख सकते हैं आप लोग मेरा पीछे भी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।